वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक सरप्राइज देना चाहता हूं। अगर मुट्ठी बंद हो तो लाख की, और खुल जाए तो सौगात की। तो इसके अंदर मैंने एक पिटारा है, जादुई चीज़ मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं, छू मंतर काली कंतर, ये देखिए दोस्तों, ये जो है त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक है, ये त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक है, और ये जो है कॉमन क्रेट का हूबहू नकल है, यानी कि सेम उसी की तरह से दिखता है। इसके अंदर और कॉमन क्रेट के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इंसान को, और ये बार बार काटता है। ये देखो, ये लैप मार रहा है, अभी ये काटने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा थड़पड़ाता है और हर मोमेंट होने वाली चीज से घबरा जाता है। अभी मेरे हाथ के ऊपर ये अगर अपना खुद से चलना चाहे तो चल सकता है, लेकिन अगर मैंने ये मोमेंट किया तो ये घबरा जाता है। तो इसके लिए ये जो है बिल्कुल ही कॉमन क्रेट, बिल्कुल ही कॉमन क्रेट की जैसा इसकी धारियां होती है, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। और जो वुल्फ स्नेक, कॉमन वुल्फ स्नेक होता है, उसमें और कॉमन क्रेट में थोड़ा पहचानने के लिए आसानी हो जाता है, लेकिन ये त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक है दोस्तों। ये त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक जो है एकदम कॉमन क्रेट का नकल है, हूबहू नकल है, जुड़वा भाई उसको कह सकते हैं। लेकिन ये जात अलग है, वो जात अलग है, वो जहरीला है, ये बिना जहर का है, और ये जो है एकदम ही और बिना जहर का है सांप। लेकिन ये काटता बहुत है। क्यों काटता है कि ये हर हलचल को, हिलती हुई चीज को अपना दुश्मन समझ के या अपना आहार समझ के काटने की कोशिश करता है। तो इसकी धारियां और कॉमन क्रेट की धारियां थोड़ा सा फर्क होता है। ये देखिए इसकी धारियां, तो इसकी धारियों को ध्यान से देखिए। अब कॉमन क्रेट भी आपके सामने पेश होने वाला है, लेकिन वो कॉमन क्रेट जो है मेरा कई और टाइम में पकड़ा हुआ होगा, जो मैं आपको स्टिल फोटोग्राफी में दिखाने वाला हूं। और एकदम ही हम शक्ल है दोनों सांप। स्क्रीन के बाईं तरफ जो है वो कॉमन क्रेट है, और दाहिनी तरफ जो है वो त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक है। आप दोनों को गौर से देखकर पहचान सकते हैं दोनों में क्या फर्क है। और इसका जो सर है और इसकी जो आंख है, अपने शरीर की, अपने चेहरे की तुलना में, अपने सर की तुलना में बहुत ही ज्यादा बारीक होती है, और इसकी जो राई के दाने जैसी इसकी आंख होती है, यही इसकी खासियत है। और इसका जो स्ट्रिप्स है, ये कॉमन वुल्फ स्नेक से बहुत ही अलग होती है। ये त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक है, और इसका जो सर है एकदम चिकना और ऊपर एकदम ही, और इसकी जो जबान लपलपाता है, सबसे ज्यादा फास्ट जबान लपलपाने वाला सांप यही है, त्रिवेंकर वुल्फ स्नेक। तो इसके बारे में मैं और भी आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको मैं छोड़ देता हूँ, और वीडियो में आप बने रहिए, और इसका भी आप जाते हुए वीडियो में देखिए किस तरीके से ये आज़ादी से खुश होकर हमसे विदा लेना चाहता है। ये बहुत ही झाड़ियां हैं, इधर ओझल होने का चांसेस है। पहले कैमरा मैन को नजदीक ले लेता हूं और इसको बराबर से फोकस करने के लिए कहता हूं मैं। ये देखिए, ये चला गया, दोस्तों मैं आपसे एक आज मजेदार बात कहना चाहता हूं। जिसके पास ताकत होती है, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, जिसको खुद को पता होता है कि मेरे पास शक्तियां हैं और मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, वो खुद जानता है, तो शांत होता है। जैसे कि कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा, किंग कोबरा, ये सब जो है अपना दर्शन मात्र से इंसान को कपाने के लिए काफी है। उसके खौफ, उसका खौफ उसके काटने से साबित नहीं करता, वो सिर्फ अपना दर्शन देने के बाद उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उससे हम लोग घबरा जाते हैं, खौफ खा जाते हैं। लेकिन जो नॉन वेनमस होता है, जैसे कि रैट स्नेक हो या कोई और दूसरा नॉन वेनमस स्नेक, उसके पास जहर नहीं होता, उसके पास वो रासायनिक हथियार नहीं होता जो किंग कोबरा और रसल स्वाइपर और स्पेक्टिकल कोबरा के पास है। तो इसके लिए वो डराने के लिए अपना प्रदर्शन ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि वो छटपटाते हैं और लैप मारते हैं, कोई पूंछ से मारता है, कोई बार बार काटता है। तो ये उन डराने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग डर के उससे दूर रहें। हम लोग जो जानकार हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये जान के हम लोग उसके ऊपर एक्शन करते हैं और उस तरीके से अपने टेक्निक्स के द्वारा उनको काबू में करते हैं।
तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल रजाक शाह स्नेक रेस्क्यू, और आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मेरे वीडियो को भरपूर पूरी तरीके से देखिए दोस्तों, क्योंकि नॉलेज मेरा आखिर तक रहता है, कि ऐसा नहीं आखिर तक मैं नॉलेज देता हूँ। हर नॉलेज को आप लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।